रिकॉर्ड बनता है 2018 में, और उसको हिमालय कहा आप ये है। जब वो संपूर्ण बनता है हिमालय पिघलना है, जब ब्रह्मा संपूर्ण बनता है तो हिमालय पिघलता है। ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि नहीं? एटम बम जब फटेंगे तो पृथ्वी का वातावरण गर्म होगा या ठंडा रहेगा? हैं? गर्म होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूर्य की किरणें इतनी दूर से पड़ती हैं, तिरछी किरणें होती हैं। वहां के पहाड़ जो नीलो उनके लंबे बर्फ के पहाड़ हैं, वो भी पिघल जाएंगे, तो हिमालय रह जाएगा क्या? तो आपका बात है 2018 में वो हद की बात आपने बताई, इस हद की बात को बेहद में समझना है। एक बुद्धि होती है जल्दी पिघल जाती है, एक बुद्धि होती है ठस बुद्धि, उसमें बात बैठती नहीं। एक होता है सेंसिटिव और एक होता है नॉनसेंस। कैसी भी बात कह दो उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ कोई साकार को पहचाना क्या? यही के आदि में पहचान। जब साकार को पहचान लेगा तो गीता का भगवान ही उसके लिए चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा। जो मूल त्रुटि है, बड़ी से बड़ी भारी गलती है, वो गलती का ही निराकरण हो जाएगा। अल्पायुष होता है क्या तो कौरा के जन्म? संगम इसमें ये देखें कि अल्प आयु किसकी होती है और दीर्घ आयु किसकी होती है। क्या तरीका है दीर्घ आयु का? जितना ज्यादा योगी होगा उतनी आयु लंबी होगी। योगी नहीं होगा तो आयु भी लंबी नहीं होगी। यहाँ की संगम युग की प्रैक्टिस के आधार पर लंबी आयु या छोटी आयु होती है। अब यहाँ कहेंगे कि अवस्था कभी ऊंची रहती है कभी नीची रहती है, तो जब नीची अवस्था होती है तो शूटिंग अल्पायु की होगी या दीर्घायु की होगी? अल्पायु की होगी। तब अवस्था जब बहुत अच्छी रहती है याद में तो उस समय जो शूटिंग होगी रिहर्सल होगी वो दीर्घायु की होगी या अल्पायु की होगी? दीर्घायु बने। हाँ ये जरूर कहेंगे कोई की प्रैक्टिस बहुत तीखी होती है और कोई की प्रैक्टिस धीमी गति की होती है। फाउंडेशन की बात है, याद में आते समय वो ज्ञान में आते समय शुरुआत में ही जिनका फाउंडेशन पक्का पड़ गया तो आज मध्यम तो उनका कैसा रहेगा? अठारह सौ
अठारह से 76 में जन्म लिया, जन्म लिया और 1976 में संस्थान लिया। ये बताया कि जो अलौकिक आयु है वो अलौकिक तरीके से यहाँ की जाती है, लौकिक तरीके से नहीं यहाँ की जाएगी। 1936 में प्रजापिता की आयु 60 वर्ष थी और 42 में जाकर के उसने शरीर छोड़ दिया। तो जो टाइम रह गया ब्रह्मा की आयु में कम, वो टाइम ऐड करना पड़े। ब्रह्मा की आयु 100 साल बताई जाती है, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म होती है। तो 36 में 40 वर्ष ऐड करेंगे तभी तो चक्कर आता है। तो 76 में 100 साल पूरे हो गए। आत्म की स्थिति के आधार पर, मन बुद्धि की स्टेज के आधार पर कहेंगे कि उसकी मन बुद्धि की ऐसी श्रेणी बन गई कि उसमें ये दुख नहीं हो सकता कि हम नरक में हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी हो जाती है कि वो कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या आए, वो अपने को क्या करेगा, मोल्ड करेगा। सुख की स्थिति में ड्रामा को वो अकल्याणकारी साबित नहीं करेगा, क्या हर हालत में ड्रामा कल्याणकारी। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। अगर हम दुखी हो गए ब्राह्मण जीवन में तो दुख की सूखे हो रही है या सुख की सूखे हो रही है? दुख की सूखे हुई। दुख की सूचिंग अज्ञानता के आधार पर होती है या ज्ञान के आधार पर होती है? अज्ञानता के आधार पर होती है। जरूर अज्ञान आ गया है कि ड्रामा कल्याणकारी है तो दुख की सूचिंग होगी। कामधेनु ब्रह्मे चूल्हे के ऊपर दूध की धारा बहती है, ये कब की बात है? कामधेनु है कौन? जगदम्बा कामधेनु है। और कामधेनु जो जगदम्बा है वो पहले संपन्न बनेगी या उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा पहले संपन्न बनेगी? कौन संपन्न पहले बनेगा? कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जब संपन्न बने तब कामधेनु भी संपन्न बने। तो सबकी मनोकामनाएं तब ही पूर्ण कर सकती है। सबकी मनोकामनाओं में बाप की भी मनोकामना आ जाती है, क्योंकि सारी दुनिया का बीज कौन है? बाप। इसलिए चित्रों में ये दिखाया जाता है कि शिवलिंग के ऊपर कामधेनु दूध में डाल रही है। ये संपन्न स्टेज की यादगार है, अपूर्ण स्टेज की यादगार नहीं है। हाँ, इंसान तो गर्भपात छोड़ता है है। हाँ जी, बोधि गया में रेल स्टेशन होता है, ऐसे कहते हैं। तो उसमें प्रवेश कब हुआ? जब गर्भ छोड़ता है। जो रियलाइजेशन होता है वो ही प्रवेशता है। तो गर्भ क्यों छोड़ा पहले? सन्या ढेर सारे सन्यासी हैं, गर्भ छोड़ देते हैं, दुख पड़ता है, दुख देखते हैं, नहीं सहन कर सकते, छोड़ देते हैं। और
मतलब स्वर्ग की गेट खोलने का मतलब है, स्वर्ग का गेट खोलने का मतलब क्या होती है? स्वर्ग का गेट खोलने का मतलब है कोई ऐसी पारिवारिक इकाई स्थापन हो जाए जहाँ जिस वातावरण में जिस परिवार में जो भी पहुंचे संसर्ग में संपर्क में संबंध में वो सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। हम अपनी गीता पाठशाला का ऐसा वातावरण बना के दिखा दे, मिनी मधुबन का ऐसा वातावरण बना के दिखा दे, तो जो निमित्त बनेगा उसके लिए गायन चलता है। जिनको विकारों की रग है वो तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जिन कन्याओं माताओं के जीवन में ये रग पक्की हो गई है कि हमें तो स्वर्ग का गेट खोलना ही खोलना है, वो ये कार्य करके दिखाएंगे। नंबर बार धर्मराज को क्यों दिखाते हैं? महाभारत में धर्मराज को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि धर्मराज जैसी आत्माएं ही स्वर्ग में आरोह करती हैं। जो सबसे छोटा भाई पांडव है उसका नाम क्या है? सहदेव, सिख धर्म का, वो डायरेक्ट स्वर्ग में आरोहण, उसके फॉलोअर्स भी आरोहण नहीं करेंगे। ऐसे ही दूसरे पांडव युधिष्ठिर के अलावा उनकी कैटेगरीज हैं, कोई बौद्ध धर्म का मुखिया है, कोई सन्यास धर्म का मुखिया है, कोई सिख धर्म का मुखिया है। बाकी युधिष्ठिर जो है वो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाला है, इसलिए उनके लिए दिखाया है कि वो स्वर्ग में गए तो उनके फॉलोअर्स नहीं गए होंगे, है उनके फॉलोअर्स भी जाएंगे। बाकी कुछ न कुछ गिरती कला में आ गए। बाबा विराट चित्र में तीन मूर्तियों को नहीं दिखाते हैं, तो शिव बाबा को है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही नहीं दिखाते हैं। हाँ वो तो भक्ति मार्ग का चित्र है ना, उन्हें चोटी को ही उड़ा दिया, ये तो चोटी के ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये चोटी के ब्राह्मण है या नीचे वाले ब्राह्मण है? चोटी के ब्राह्मण, उनको तो विष्णु बनना है। जो ऊंचे से ऊंची कोटि के ब्राह्मण है, शरीर में सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा होता है? चोटी। तो भक्ति मार्ग वाले तो जानते ही नहीं है, वो दिखाएंगे कहाँ से? उन्होंने मस्तक दिखाई दिया है, देवताएं दिखाए हैं, मस्तक समान देवताएं, शूद्र दिखाए हैं, वैश्य दिखाए हैं विराट रूप में, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में संगम युग के बारे में कोई को जानकारी भक्ति मार्ग में है ही नहीं, वो दिखाएंगे कहाँ से? और ये तो आठ मृदा है ना, सूर्य जुले बारा पर, लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी को इस्लाम धर्म का बीज बोलते हैं, कैसे हो सकता है? मुर्गन स्वामी नहीं है,
कैसे बोल सकता हूँ बारहवीं में आने वाली है ना, मतलब ये इस्लाम धर्म का बारह है ना, वो बीज होना चाहिए। इस्लाम धर्म का बीज है वो बारह है। हाँ, तो जो बारह है वो इस्लाम धर्म के हैं या सूर्यवंशी है? इस्लामवंशी है। वो इस्लामवंशी है बारह? ये सूर्यवंशी का है ना, पर लेकिन ये कहते हैं धर्म को भी कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले जो जो और धर्म है। छह मुख दिखाए गए ना, तो जो छह मुख दिखाए गए हैं उनका पालन करने वाली माताएं भी छह दिखाई गई हैं, माने छह मुख्य धर्मों से आने वाली छह माताएं हैं, और उन छह माताओं का खून उनमें समाया हुआ है, पालना भरी हुई है, तो इसलिए उनको षण्मुख कहा जाता है। मुख काय के लिए होता है? बोलने के लिए होता है, तो छह मुख से बात करते हैं। बाकी एक मुख से बात करना अच्छा होता है या छह मुख से बात करना अच्छा होता है? एक मुख से बात करना अच्छा होता है। विष्णु को छह मुख ज्यादा दिखाए जाते हैं या भुजाएं ज्यादा दिखाई जाती हैं? भुजाएं ज्यादा हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन दो मुहा हो, तीन मुहा हो, ज्यादा मुख वाला हो, ज्यादा मुंह की बातें करे, अरे भाई तुम एक मुख की बातें करो ना, माने बुद्धि भटक जाती है, विकृत बुद्धि होने के कारण बुद्धि औरों के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए जो सुब्रह्मण्यम स्वामी है, कार्तिकेय है, ओ माँ बाप दोनों का बच्चा दिखाया जाता है क्या? हाँ, जैसे गणेश है तो वैसे कार्तिकेय भी है। वास्तव में शिव से पैदाइश होती है अव्वल नंबर ब्राह्मण की, शिव जब आते हैं तो कौन प्रत्यक्ष होता है? हैं? नहीं, तीन मूर्ति के साथ तो आते हैं, लेकिन तीन मूर्तियों में भी पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण हुआ, तो जो पहला ब्राह्मण है, अव्वल नंबर ब्राह्मण है, उससे सारी सृष्टि का संचालन होता है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ, भगवान नहीं हुआ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ, मनुष्य ही तो हुआ, और मनुष्य की जो पैदाइश होगी वो देवता होगी या जानवर होगा? है मनुष्य की पैदाइश, मनुष्य तो अपने से नीचे कोटि का ही पैदा करेगा ना, अपने से ऊंची कोटि का तो नहीं पैदा कर देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी 84 जन्मों में जो भी बच्चे पैदा होते आए, जो भी जनरेशन पैदा होती आई, वो कम कलाओं वाली पैदा होती रही या चढ़ती कला की पैदा होती रही? कम कलाओं वाली पैदा होती। तो अव्वल नंबर मनुष्य है, अव्वल नंबर ब्राह्मण है, अव्वल नंबर देवता है, उससे जो पैदाइश होगी वो स्वर्ग की पैदाइश होगी, स्वर्गीय पैदाइश होगी या नारकीय पैदाइश होगी? स्वर्गीय पैदाइश होगी, तो सही स्थिति में सदैव रहता है, अव्वल नंबर पैदाइश होगी। अव्वल नंबर माने पहला, जो सही स्थिति में सदैव रहने वाला है वो निमित्त वो स्वर्ग बना सकता है,
जो स्वस्थिति में सदैव रहने वाला नहीं है वो स्वर्ग नहीं बना सकता। जब स्वर्ग नहीं बना सकता तो क्या बनाएगा? नर्क बनाएगा। तो नर्क में जानवर पैदा होंगे, असुर पैदा होंगे, या श्रेष्ठ मनुष्य देवताएं पैदा होंगे? तो शंकर जी से कौन दिखाई गए, कौन पैदा हुए हैं? नहीं तो पैदा हुए मुख्य दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक कार्तिकेय और दूसरा गणेश। कहीं अंधकासुर पैदा हो रहा है, कहीं कोई असुर पैदा हो रहा है। इतनी बात ही तो बुद्धि में बैठाने की है क्या? तथाकथित ब्राह्मण क्या गलती कर रहे हैं? यही तो गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा को ही सब कुछ समझ लिया, कैसे कि आत्मा ही सर्वे सर्वा हो गई, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई और है और कोई है ही नहीं। अरे चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है, इनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला कोई और है। वो बात बुद्धि में रहनी चाहिए। और परम धाम कभी खाली नहीं रहेगी, जब ऊपर से लास्ट आत्मा आवेगी तब यहाँ से पहली आत्मा वहाँ जाएगी। तो ये पहली आत्मा को सुप्रीम सोल शिव की आत्मा कहा जाता है या प्रजापति की? शिव शंकर एक नहीं है, साथ ही साथ। तो शिवशंकर साथ ही साथ नाम लिया जाता है ना, क्यों है? समान हो गए तो साथ साथ जाते हैं। उस आत्मिक स्थिति के हिसाब से शिव हो गया पति और शंकर हो गया पत्नी। है पता कैसे चलेगा? अभी कैसे पता चल रहा है कि नहीं है, है? तो वो जो समान स्टेज वाला जो है, वो जो जिसकी समान स्टेज बन जाएगी, वो समान जैसे ही कार्य करेगा ना, पता कैसे चलेगा शिव है कि शंकर है? अगर शिव और शंकर का पता लग जाए कि ये शिव है ये शंकर है तो समान स्टेज कहेंगे? तो असमान स्टेज हो गई। बाबा हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, तो जाग जाते हैं नींद से, और पूरा भी नींद खत्म नहीं होता है, आधा नींद में होता है आधा संकल्प करता रहता है, फिर सोते ही रहते हैं आधा आधा घंटा, उसके बाद हम उठते हैं। तो उस समय एक बात को याद करना है, नहीं तो जब चल जाते हैं पहले आधा नींद में होते हैं उसी समय उठकर बैठे। अमृत वेला है सारे 24 घंटे का फाउंडेशन वेला। अगर फाउंडेशन में ही अलबेले रहेंगे तो सारा दिन क्या होगा? सारा दिन अलबेलेपन आता रहेगा। पर 2 बजे 1 बजे से हमको जागरण होता है, पर उस समय तो हम नहीं, नींद खत्म होती नहीं हुआ। अच्छी तरह सो लेना। रावण और कुंभकर्ण दोनों का मुकाबला करें तो अच्छा आदमी कौन था और मुकाबले में खराब कौन था? कुंभकर्ण अच्छा था। तो कुंभकर्ण की इच्छा पहले पूरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए रात को जल्दी सो जाएं।
ऐसी प्रैक्टिस बनाने से बन जाएगी। मान लो कोई की जल्दी आँख खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, चिंता लगी हुई है, पुरुषार्थ करना है या कहीं जाना है, आँख खुल जाती है, डेली का यही स्वभाव बना हुआ है, अब उसे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है करना चाहिए ना, आँख खुलते हैं बाबा। हाँ नींद खत्म हो गई ना, नींद थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई ना, सदा काल के लिए नहीं, नींद खत्म हुई ना, बीच में जागरण हो गया ना, होना चाहिए। एक बार सो गए तो जितनी भी नींद चाहिए उतनी नींद पूरी होने के बाद फिर आँख खुले। बार बार जगना, बार बार सोना, ये तो ठीक नहीं है। पूरी निद्रा हो, गहरी निद्रा, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, लगन लगी हुई होगी तो पक्का निश्चय कर देंगे अब हमारी आंख जब खुल जाएगी तो हम सोएंगे नहीं। अब क्या, तब ही सोएंगे जब दूसरा दिन आ जाए और रात्रि शुरू होगी 8-9 बजे। एक दिन ऐसा करेंगे, दो दिन ऐसा करेंगे, तीन दिन ऐसा करेंगे, आखिर कब तक नहीं प्रैक्टिस बनेगी? पहली नींद हमको जगना ही जगना है, उसके बाद फिर सोना नहीं है। तो दूसरे दिन गहरी नींद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन आ जाएगी, चौथे दिन आ जाएगी। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है? बाबा ने भी यही तरकीब बताई है। क्लास में कोई को याद में बहुत नींद आती है, कोई को मुरली के टाइम पे बहुत नींद आती है, कोई को वार्तालाप में मजा नहीं आता, वार्तालाप में बहुत नींद आती है। अपने अपने पूजनों के हिसाब किताब है। बाबा ने जो तरीका बता दिया, क्या बताया? हाँ, सरसों का तेल ड्रापर में रखो, आधा बूंद लिया, एक आंख में लगा दिया, आधा पौना घंटा असर रहेगा कि नहीं? सोने देगा नहीं सोने देगा? फिर आधा पौना घंटे के बाद नशा उतर जाए उसका, तो फिर दूसरी आंख में लगा दो, तब तक ये आंख चंगी हो जाएगी। ऐसे एक एक करके बदलते रहो, टाइम पूरा हो जाएगा। एक दिन होगा, दो दिन होगा, चार दिन होगा, आखिर करते करते प्रैक्टिस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जगने की? पड़ जाएगी। बाबा भी सोचेगा बहुत पुरुषार्थ कर रहा है बच्चा। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम करने वाला, आराम करने वाली आत्मा बेसिक में भी पुरुषार्थ करती है कि नहीं करती है? बेसिक में भी कम से कम ये पुरुषार्थ होता है कि हमारी आत्मिक स्टेज बने। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं देह, देह नहीं हूं। सभी बेसिक वाले इतना तो पुरुषार्थ करते ही हैं, चलो बाप को नहीं पहचाना, लेकिन इतने तो पुरुषार्थी हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो ये पहली सीढ़ी है सिंगल पुरुषार्थ कहे। ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, आत्मा रूपी सुई की पहले पहली स्टेज में कट उतर जाएगी,
तो याद करते ही बिंदी याद आएगी, स्टार याद आएगा। फिर जब स्टार याद आ जाए फिर क्या है अगला कदम है? बाप की पहचान। जितना जितना बाप की पहचान में हम गहरे उतरते जाएंगे उतना उतना बाप के नजदीक पहुंचेंगे या दूर जाएंगे? नजदीक जाएंगे। तो हमारा डबल पुरुषार्थ हो जाएगा। तो 2018 के बाद अधूरा चंद्रमा पूर्णिमा से बन जाएगा, प्रत्यक्षता होने के बाद भी वो बाप के साथ रहेगा। सेवा शंकर एक है या नहीं है? हाँ? अभी हाँ? अभी एक है शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है वो, और शंकर जो याद में बैठता है, पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थी जीवन बिताता है, ये दोनों आत्माएं अभी समान पुरुषार्थ समान है एक दूसरे के या असमान है? असमान है तो एक है या दो है? असमान है तो दो है। ऐसे ही कृष्ण की भी आत्मा संपन्न बनेगी, समान बनेगी तो साथ में रहेगी, साथ ही कही जाएगी या अलग अलग कही जाएगी? साथ ही। अभी भी कहा जाता है बाप दादा, कंबाइंड कहा जाता है या अलग अलग कहा जाता है? अभी भी कहते हैं बाप दादा कंबाइंड। बल बच्चे अलग अलग करते हैं, बाप अलग है दादा अलग है, जिगर पट्टी वाली बातें पैदा कर देते हैं, लेकिन वो दोनों फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। आधा सुख और आधा दुख जन्म मिलता है, सुख का जन्म मिलता है और आधा दुख का जन्म। तो पहले सुख का जन्म सभी बोलते हैं और बाद में दुख का जन्म आते हैं, या आल्टरनेटिव हो सकती है बीच बीच में सुख का जन्म और बीच बीच में? आत्मा नीचे ही उतरती जाएगी या ऊपर भी करती है? संगम में सिर्फ ऊपर चढ़ना हो सकता है, लेकिन और युगों में जैसे जैसे शरीर के सुख भोगते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी। विकारी सुख भोगेंगे तो तीव्रता से सुख क्षीण होगी, और देवताई सुख भोगेंगे तो आत्मा धीमी गति से नीचे उतरती है। बाकी ऐसे नहीं है कि द्वापर के आज के जन्म में कोई सुखी हो जाए, वो दुखी हो जाए और बाद वाले जन्मों में सुखी हो जाए, नहीं। कोई कोई आत्मा अभी भी बहुत सुखी, वो तो नई उतरने वाली आत्मा है ना, जो नई नई उतर रही है देवता धर्म की आत्मा है, वो इसी जन्म में सुखी देखने में आएंगी या दुखी देखने में आएंगी? दुखी
सतो प्रधान आत्मा आई तो सुखी देखने में आएगी या दुखी देखने में आएगी? सुखी देखने में आएगी। तो जो जो सुखी है वो सभी अभी आए हैं, नए नए आए हैं, मान मर्तबा उनका ज्यादा है। तो एक दो जन्म का है, एक दो जन्म का है, जो एक दो जन्म के हैं उनका भी ऐसा ही है। पहले पहले बहुत सुखी दुनिया वालों के मुकाबले, बाद में दुखी। सुख उनका इतना ऊंची कोटि का नहीं होगा जितना ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माओं ने शुरू शुरुआत में सुख भोगा। उनका सुख भी नीचे कोटि का और दुख भी ज्यादा नहीं भोगेंगे। सुखी भी कम होंगे, दुखी भी कम होंगे। भारतवासी ज्यादा जन्म लेने वाले हैं या विदेशी ज्यादा जन्म लेने वाले हैं? भारतवासी ज्यादा जन्म लेने वाले हैं। तो भारत का मौत ज्यादा दुखदाई है या विदेशों का मौत ज्यादा दुखदाई है? क्यों? क्योंकि भारतवासियों ने सुख बहुत देखा है। तो दुनिया के अंतिम क्षणों में दुख भी बहुत देखेंगे। और विदेशियों ने, विदेशी आत्माओं ने सुख भी कम भोगा है, नीची कोटि का भोगा है, तो दुख भी कम भोगेंगे। फटाफट एटम बम बरसेंगे और धड़ाक से उनकी मौत हो जाएगी। कितनी बढ़िया मौत हुई। महाभारत एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। जैसे जैसे स्थापना होती जाती है वैसे वैसे विनाश भी होता जाता है। ये बताया है ना, धर्म वाले लड़ मरेंगे भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष के अंदर जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो लड़ मरेंगे। जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट हुए ही नहीं, उनकी बात नहीं है। ये सभी आपकी कतई पहले हो जाएगा। सारी बातें साथ ही साथ, एक तरफ बाप प्रत्यक्ष होता है तो जिनके बीच में प्रत्यक्ष होता है वो जय जयकार करते हैं, जिनके बीच में प्रत्यक्ष नहीं होता है वो हाहाकार करते हैं। उसी से विनाश भी शुरू हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकोप भी शुरू हो जाएंगे। तो जय जयकार करने वालों की सेफ्टी ज्यादा रहेगी या हाहाकार करने वालों की सेफ्टी ज्यादा रहेगी? जय जयकार करने वालों की सेफ्टी ज्यादा रहेगी, हाहाकार करने वालों का हाहाकार और ज्यादा बढ़ेगा। वो बॉम्बे पटना उसी वर्ष से शुरू होगा। हाँ, बॉम्बे, हाँ, गिरना भी उसी वर्ष से शुरू होगा। प्रत्येक चलता के साथ नहीं, वो एटमिक एनर्जी वो तो चतुर्थ विशुद्ध है। थोड़ा बहुत छोटा छोटा मोटा रिहर्सल होता रहे वो बात अलग है। वो तो अभी भी होता है। इराक में देखो क्या हुआ। वो बोलते हैं ये एटम बम नहीं है, हाँ, दूसरे बम है, ऐसे बोल रहा है। क्या है वो लोगों ने? साधारण बम है। हाँ हाँ, ये एटम बम नहीं है। तो छोटे छोटे हैं, आगे चल के बड़े बड़े भी फोड़ेंगे। पहले छोटे हथियार चलाए जाते हैं, एकदम बड़ा हथियार चलाया जाता है। छोटे से ही काम चल जाए, ज्यादा कीमती क्यों खर्च करें? बाबा, ये महाभारत में किसके आता है जब क्षेत्र अभिमन्यु को मार डाला?
जय कृष्ण। हाँ अर्जुन सबक करता है ये कल की रात में ही ये सूर्य अस्त पहले ही उनको सूर्यास्त होने से पहले ही तो वो काट करके आपको खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा उनका वरदान है। एक ऋषि उनका नाम भूल गया के हाथ से ही वो अर्जुन उनका सिर काट करके उनको हाथ में पिटा करके उनको भी माता रहा हूँ। वो कौशी ऋषि है वो कौशी ऋषि है वो हमारे को कोई ऐसी कथा तो आई है। अर्जुन तो बहुत ज्यादा तीखा निशानेबाज था। ऐसे कोण से शरीर वो रथ उसका जयद्रथ का सिर काटा कि वो सिर जो है उड़ करके उसी की गोद में जाके गिरा। हाँ जिसकी गोद में गिरा वो भस्म हो गया। बैठ की कथा कहानियां बनाई है चक्करी की। जैसे जैसे विचार सागर मंथन होता जाएगा वैसे वैसे ये रहस्य भी खुलते जाएंगे। अभी तो लोग दुनियावी जो फिल्म वगैरह निकलती है उनमें ज्यादा रस ले रहे हैं या शास्त्रों की बातों में ज्यादा रस ले रहे हैं? है? हाँ दुनिया भी जो कथा कहानियां हैं उनमें ज्यादा रस ले रहे हैं लेकिन पुराने से पुरानी कथा कहानियां कौन सी है जो शास्त्रों में? तो पुरानी चीज अच्छी होती है या नई नई चीज अच्छी होती है? गोल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो शास्त्रों की जानकारी रखना तो अच्छी बात है लेकिन वो शास्त्रों में लिखी हुई हर बात को ज्यों कहते हो नहीं उठा लेना। उसमें कोई रहस्य है उस रहस्य को ज्ञान के अनुसार मनन चिंतन मंथन करके उसका निचोड़ निकालना है कि सत्य बात क्या है। वाल्मीकि से वाल्मीकि रामायण का रचना हुई उस समय सात्विक समय था। सात्विक समय था उस समय शास्त्रों का सात्विक समय शास्त्रों का निर्माण करने का सात्विक शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रों के निर्माण के हिसाब से सात्विक टाइम था। शास्त्र उस समय सतो प्रधान थे बाद में शास्त्र भी तमो प्रधान बन गए क्योंकि उनके मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन किए गए। उस समय की तत्व प्रधान पीरियड में ही वाल्मीकि रामायण का रचना हुई वो ठीक है क्या? रामायण राम पहले या नारायण पहले? तो नारायण या कृष्ण से कनेक्टेड जो भी कथाएं हैं वो ज्यादा पुरानी होंगी या राम और राम से कनेक्टेड जो भी कथा कहानियां हैं वो ज्यादा पुरानी होंगी? जो ज्यादा पुरानी है वो ज्यादा सात्विक होंगी और जो अर्वाचीन है वो उतनी सात्विक नहीं हो सकती। इसलिए रामायण को बताया ये तो एक तरह का उपन्यास है। क्या है उपन्यासों में भी कोई सबसे पहला होगा और कोई उपन्यास आज के उपन्यास हैं जो बुद्धि खराब कर देते हैं। जैसे हिंदी में पुराने से पुराना उपन्यास
कौन सा है? चंद्रकांता संतति। वो सीरियल आया था टीवी में, उसमें तीन राज्य दिखाए हैं, तीनों की लड़ाइयां दिखाई गई हैं। एक नौगढ़, क्या नौ रत्न है ना, वो रुद्रमाला है। नौ रत्न कहाँ होते हैं? रुद्रमाला में होते हैं, तो नौ रत्नगढ़ हो गया। दूसरा है विजयगढ़, विजयमाला का गढ़, गढ़ माने किला, विजयमाला के गढ़ से दिखाई गई चंद्रकांता। और नवरत्नगढ़ से कौन दिखाया गया? चंद्रकांता का पति। सारी कथा जो है वो टैली करो संगम युग से तो टैली होने लगती है। अरे उपन्यास को बाबा ने कहा, जो उपन्यासों को पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिल्म देखने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाबा ने अपना मिसाल दिया, सौभाग्य सुंदरी फिल्म देखी और बाबा की बुद्धि खराब हो गई, धड़ाक से शादी करके बैठ गए। तो उन उपन्यासों में भी सत्व प्रधान स्टेज में जो पहला उपन्यास लिखा गया तो वो भी कितना सत्व प्रधान है। वर्तमान संगम की ब्राह्मणों की दुनिया से वो सारा टैली होता है। तो हर चीज पहले सत्व प्रधान, बाद में तमो प्रधान। हाँ, नाम का एक बच्ची है, है? वही हाँ, हाँ जी, नाम का एक बच्ची है, वो डरती नहीं, हिम्मत वाली है, वो बेहद में कौन सा कांड वाली है? बाबा उसको अमृत वेले में बहुत याद करते हैं, वरदान देते हैं इसे। जो हर बात में वजह निकालती हो, क्या कोई बात हुई, इसकी वजह क्या हुई, ये बात हुई कैसे? कारण निकाल लिया तो उसका निवारण भी निकल आएगा। बुद्धि की बात हुई ना, ऐसी टेंडेंसी है उसकी। बुद्धिमान बाप के बच्चे भी कैसे होंगे, बुद्धिमान होंगे। वो बुद्ध होते हैं, वो कारणकारी का विश्लेषण करते नहीं, जैसे जिसने कह दिया वैसे वो बात सत्य वचन महाराज मानने लग पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। हाँ, हो सकता है, अष्टदे में तो सारी दुनिया समाई हुई है, आठों धर्म समाये हुए हैं। आठ ही तो धर्म है जो भगवान से प्राप्ति करते हैं, बाकी नौवा आर्य समाज वो तो अर्धनास्तिक है, और दसवां नास्तिक वो तो प्राप्ति करता ही नहीं बिल्कुल। आर्य समाजियों की भी प्राप्ति ऐसी है जैसे प्राप्ति हुई हुई ना हुई, अल्पकाल की प्राप्ति, वो भी कांटों का ताज। आज की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो कोई राजा ही है, राजा ही तो है ही नहीं। कांटों का ताज सर के ऊपर रखना है, दुखी होना और दूसरों को दुखी करना, इसके अलावा कोई दूसरा तंत्र नहीं निकलता है। तो बाकी आठ ही रह जाते हैं जो भगवान को मानने वाले हैं। प्रजा
9 लाख प्रजावर के आत्मा है तो बाप से राज्यों की पढ़ाई नहीं लेंगे, फिर भी वे कैसे ज्ञान की चमक अंश में मारेंगे? हाँ, जो पहले जन्म की प्रजा होती है उसकी भी कोई खसूसियत होती है, विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? हाँ, वो सब ज्ञानी तो आत्मा होती है। यथा राजा तथा प्रजा, जो पहले जन्म का राजा होगा नरसे नारायण बनने वाला, वो अपूर्व ज्ञानी होगा ना, तो उसकी जो रचना है पहले ये जन्म की प्रजा, प्रजा माने रचना, वो भी कैसी होगी? जैसा राजा है वैसी ही प्रजा भी होगी। तो इसीलिए तो बोला है कि अंत में तुम बच्चों को ये वरदान मिला हुआ है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। कैसे चलेगा? अभी तो नहीं मानते, लेकिन लास्ट में जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जो अभी बातें सुनते तो हैं, अब मानते नहीं है, लेकिन घर परिवार में जब बातें होती हैं, टीवी चलता है, बात सुनते हैं, तो बुद्धि में तो आ रही है कि ये बात ऐसे है, वो बात वैसे है, इनकी ये लड़ाई झगड़ा ऐसे है, इनका वो लड़ाई झगड़ा ऐसे है, ये मान्यता है, इनकी वो मान्यता है, सारी बात तो बुद्धि में बैठी हुई है। लास्ट में जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तेजी से वो सारी बातों को कैच कर लेंगे, कैच भी करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे भी। तो जन्म जन्मांतर की साहूकार प्रजा वाली आत्माएं हैं। क्योंकि नियम है जिसके पास जितने ज्यादा ज्ञान रत्न होंगे उतना ज्यादा वहां क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। तो ये 25,000 आत्मा ये वो भी ये 1,00,000 कालिक्रम में आता है। कौन 25,000? ये 4.5 लाख में आने वाली, 2.5 लाख रुद्रमाला में और 2.5 लाख विजयमाला में आने वाली। हाँ, वो 25,000 जो विजयमाला वाली स्टेज की है वो तो आधीन बनने वाली आत्माएं हैं, वो अपनी बुद्धि उतनी नहीं चलाएंगी, किसी के आधार पर चलेंगी। जैसे विजयमाला की हेड है वो अपनी बुद्धि चला करके कार्य करेगी या किसी के इशारे पर करेगी? इशारे पर करेगी। तो उनको उतना ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। वो भी वो ये कार्यक्रम का स्थिति क्यों नहीं पाएंगे? जिसका जिसका संग रहेगा उसका रंग भी लगेगा। ब्रह्मा वाली आत्मा को राम वाली आत्मा का संग होता है तो बीज रूपी स्टेज बन जाती है, जबकि संगम युग में साकार रूप में तो वो साथ ही है नहीं, तो भी संग का रंग लग जाता है। और विजयमाला वाली आत्माएं तो साकार में संग में रहेंगी ना, बुद्धि योग से। पृथ्वीराज चौहान 17 टाइम ये मोहम्मद गोरी उनको अटैक किया, फिर भी क्यों उतना टाइम उनको नॉट दे रहा है? कम से कम 6 या 8 उनके बाद वो उतना दुख दे रहा है, वो उनको क्यों दंड नहीं दिया? कोई का गलतियां करने का स्वभाव है। अभी ये टाइम हो गया। हाँ, जो बिच्छू है उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा। हम जानते हैं वो है कौन, वो तो बिच्छू है। कोई ब्रह्मा के ऊपर उंगली उठाए, शंकर जी के ऊपर उंगली उठाए, तुमने इतने असरों को क्यों वरदान दे दिए? हैं,
वो आकर के सरेंडर हो गए। उन्होंने लंबे टाइम की तपस्या की, उन्होंने पुरुषार्थ किया, समर्पित बुद्धि बने। तो आखिर कोई लगातार गिड़गिड़ाता है तो रहम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उतना टाइम सही नहीं दिया है, सिर्फ 3 मास 4 मास दिया है, बट लेकिन 17 टाइम लंबी टाइम हो गए। देवात्मा का गुण क्या है? देवात्मा कहीं तब जाती है जब वो देती रहती है, देती रहती है। वो दैत्य और वो देवता, कोई बात में तो अंतर है ना, उनका है ही आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव है इसीलिए तो उनकी लगातार हार होती है। हाँ, जीत का सुख बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए जब वरदान देते हैं तो बोलते हैं विजयी भव, जय हो। विजय हो। शिव आणि अवधूत मुरली को सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव का, उन दोनों में अंतर क्या है? पीयू वाणी और हाँ, जिसे हम अभी मुरली कह रहे हैं वो तो निमित्त बना ब्रह्मा, और जो पीयू की वाणी थी वो भी निमित्त ब्रह्मा ही था या कोई दूसरा था? है? वो आदि ब्रह्मा था, लेकिन वो पुरुष प्रकृति थी और ये स्त्री प्रकृति वाली आत्मा है, इसलिए अंतर पड़ जाता है। यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता ने यज्ञ छोड़कर चला गया, पर छोटी माँ ने उसको फॉलो नहीं की, कारण क्या? क्या पता उसने डायरेक्शन दिया हो? हैं? बाप का भी डायरेक्शन। हाँ? सूरज की सजा सारी दुनिया के लोग को भी मिलती है क्या? हाँ, तो पर उनमें से डेर के डेर आत्माएं अचानक मौत को पाएंगे, तो सजा वह कैसे भोगते हैं? वो अचानक मौत हो, अचानक जब मौत होती है तो एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजा नहीं भोग सकते? नाक और मुंह बंद करके देखो थोड़ी देर, किसी दूसरे को हमारी नाक अच्छी तरह पकड़ लो और मुंह भी अच्छी तरह बंद कर दो, नहीं तो फेविकोल लगा दो। कैसा लगेगा? एक एक सेकंड कैसा बीतेगा? वो तो एवर लास्टिंग थोड़े ही करते हैं, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही करेंगे ना, फिर तो खोल देते हैं ना। हाँ, चल।